नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, भिवानी के शास्त्री नगर से एक बहुत ही दुखद खबर जो है निकल के सामने आई है कि एक 16 वर्षीय अतुल नामक लड़का जो कि अपने चार दोस्तों के साथ घूमने के लिए नहर पर गया हुआ था और जूही नहर के अंदर जो है डूब जाता है। बताया जाता है कि भाई उसका पूरा ध्यान जो है फ़ोन के अंदर था और नहर के ऊपर खड़ा हुआ था, उसका पैर फिसल जाता है और वह जूही नहर के अंदर डूब जाता है। उसके यार दोस्त जो होते हैं, जो साथी जो होते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन तब तक जो है वो तेज बहाव की वजह से काफ़ी दूर जा चुका था। अब जो है NDRF की टीम और गोताखोर जो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। 16 वर्ष तो रहा था ना कि जूही नहर में गिर गया, पानी का बहाव तेज होने की वजह से वह नहर में डूब जाता है। नहर में डूबे किशोर को जो है गोताखोर और NDRF की टीम लगभग 10 किलोमीटर तक तलाश कर चुकी है, सर्च कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तो नहर के अंदर जो पानी का जो स्तर था वो भी कम करवाया गया ताकि अतुल को बना सके। इस तरह जो लगभग तीसरा दिन भैया जो हो चुका है, अभी तक उसको कोई सुराग नहीं मिला और 3 दिन से बताए तो गाँव के अंदर चुनाव नहीं मिला है। हर परिवार, हर घर के अंदर मातम है। फौजी का जो है इकलौता जो बारिश था और फौजी के परिवार में भी पूरी तरह से भाई जो है मातम छाया हुआ है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन का जो है कभी भी मिसयूज ना करें। आप आए दिन खबर देखते होंगे कि बस स्टंट करने के चक्कर में सेल फोन लेकर के स्टंट करते हैं, काफ़ी सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो सेल फोन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर करना चाहिए। जैसे कोई भी रिस्की जगह पर सेल फोन अपने पास यूज ना करें। तो आज की युवा पीढ़ी जो है बस आदमी को अपील है कि भाई अपने फ़ोन का यूज ना करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।